उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स कोटे की नौकरी पाना अपने आप में ही एक बड़ी गर्व की बात है और हर एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में नौकरी पाने का बहुत अधिक शौक होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक मानी जानी पुलिस है और जय दोस्त, उत्तर प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स कोटे की दरोगे और सिपाही पद की भर्ती होने को आपके सामने आ चुका है और अब सभी लोग अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। ठंड उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स कोटे की नौकरी पाना अपने आप में ही एक बड़ी गर्व की बात है और हर एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में नौकरी पाने का बहुत अधिक शौक होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक मानी जानी पुलिस है और इसके द्वारा कराई जा रही भर्तियों में जो स्पोर्ट्स कोर्स से भर्ती होकर आएगा वो आगे चल के ऑल इंडिया पुलिस नेशनल इंटरनेशनल तक के खेलने को तैयार होगा और इनके भविष्य का एक नया रास्ता मिल जाएगा, नया स्रोत मिल जाएगा। जो एक कम उम्र का युवा भर्ती होकर आता है तो उसके कैरियर में एक चार चांद लग जाएगा अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। एक अच्छा मौका, एक सुनहरा मौका आपके सामने है, तैयारी करना अति आवश्यक है। उसके लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर कराने होंगे, जैसे जात निवास प्रमाण पत्र आपको सारे सही कराने होंगे, आपके जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है क्या वो वेरीफाई हुए हैं कि नहीं उनको भी आपको जांच कर लेना है और वो वेरीफाई नहीं हुए तो उनको तत्काल प्रभाव से अपने सर्टिफिकेटों को वेरीफाई करा लीजिए। जो ओलंपिक संघ से प्लेयर मान्यता प्राप्त है और जो ओलंपिक संघ से गेम को नेशनल तक खेले हैं, स्टेट खेले हैं, वही इसमें आवेदन किए होंगे। इसके अलावा जो आवेदन किया होगा उसके मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ना मैंने इसके बारे में कभी किसी को राय दिया कि आप इससे खेलें। इसके अलावा जो स्कूल यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया होगा वही इसमें आवेदन करेगा। अलावा अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हुए हैं वो भी आवेदन किए होंगे। और का सीजन मत देखिए, ठंड के चक्कर में रहेंगे तो आप अपना एक सामने आई नौकरी गवा देंगे। यहाँ पे आपके जो फिजिकल के हैं 80 नंबर है, 20 नंबर डॉक्यूमेंट चेकिंग के है, तो आपको 80 नंबर में अपनी पूरी तैयारी करना है। आपको ये तैयार करना है आप किस गेम के, पूरा गेम को तैयार करना है। उसके बाद आपको कूलिंग डाउन वर्कआउट सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। आपसे फिजिकल रनिंग भी, फिजिकल टेस्ट में फिजिकल रनिंग लिया जा सकता है, आपसे बीम मराया जा सकता है, सिटअप, उसके बाद गोला फेंक, कोई भी आपसे फिजिकल संबंधित सारे कार्यों को कराया जाएगा। तो उससे संबंधित आप पूर्णतः तैयार होकर जाए ताकि आपका कहीं भी फिजिकल में नंबर कम ना हो और अच्छे तरीके से फिजिकल में नंबर प्राप्त कर सके। एक और दूसरा चीज, अदर स्टेट के भी लड़के आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, अदर स्टेट के भी लड़के आपके साथ कॉम्पिटिशन में उतरेंगे। ज़्यादातर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, पंजाब के लड़के आपको टक्कर देंगे। यहाँ तक कि आप भोपाल साई के भी लड़के इस बार आपको टक्कर देने को तैयार है, तो अभी से अपनी तैयारी रखिए ताकि भोपाल साई के लड़कों से आप आगे निकल सके और अपने कैरियर में एक सुनहरा अवसर प्राप्त कर सके, एक रोजगार पाने का, क्योंकि आपके सामने रोजगार का अवसर बहुत बड़ा है और इसको खो देना आपके जीवन के लिए कहीं ना कहीं कष्टदायक होगा। और इसको न खोते हुए मेहनत करिए और अपने रोजगार को प्राप्त करने का पूरा भरसक प्रयास करिए कि आपको रोजगार मिले और अपने जीवन को आप सफल बना सके। मेरे को विश्वास है कि आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों में वीडियो शेयर करेंगे कि ताकि जो भी इस भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको सही और सटीक जानकारी